Hello and welcome all, myself Neetu Gupta from NLSIU Bangalore. In this session, I am going to discuss about the current affairs for the month of May 2020, and the category that we were discussing was the appointments. So let us continue with the appointments. जीन फ्रैंकोसो वैन वॉक्समीर को नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया वर्ल्ड का सेकेंड बिगेस्ट मोबाइल ऑपरेटर वोडाफोन में, और इनसे पहले गैरन क्लिफ्स में चेयरमैन थे नवंबर से. ही हैज़ बीन हैंकिन सीईओ सिंस 2005. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये स्टेचुटरी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया अंडर सेक्शन 3 ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1997. ये रेगुलेटर है टेली कम्युनिकेशन सेक्टर इन इंडिया. जो चेयरमैन है इनके, सॉरी गाइस, तो अब इनके जो चेयरमैन है वो आर एस शर्मा, वोडाफोन सीईओ निक रेड, हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड किंगडम में है. नेक्स्ट पी कुमारन, दैट इज़ पेरी स्वामी कुमारन, इनको इंडिया के हाईएस्ट कमिश्नर अपॉइंट किया गया है सिंगापुर के, और ये एट प्रेजेंट एम्बेसडर हैं टू इंडिया ऑफ इंडिया टू कतार. और इनको कौन रिप्लेस कर रहे हैं, जावद अश्वार, जिन्होंने हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया का चार्ज ले लिया है टू सिंगापुर इन नवंबर 2016. मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है, सुब्रमण्यम जयशंकर. मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन. प्रेम के नायर अपॉइंटेड एज एम्बेसडर टू द रिपब्लिक ऑफ नाइजर. नेक्स्ट ब्राजील्स मार्कोस ट्रॉयजेटो इज एनडीबीज न्यू प्रेसिडेंट. मार्कोस प्रादो ट्रॉयजेटो, फॉर्मर डिप्टी इकोनॉमिक मिनिस्टर जो ब्राज़ील के हैं, उन्होंने केवी कामनाथ को रिप्लेस किया एज प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन ब्रिक्स इकोनॉमिक्स. एनडीबी प्रोजेक्ट है, ये इलेक्ट हुआ ऑन अ रैशनल बेसिस फ्रॉम वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स और अदर फोर वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम ईच ऑफ द अदर फाउंडिंग मेंबर्स. अनिल किशोर एंड इंडियन अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एनडीबी. नेक्स्ट क्या है, लियो पुरी टू टेक ओवर एज चेयरमैन ऑफ जेपी मॉर्गन एट साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. वेटरन बैंकर कल्पना मोरापे के रिटायरमेंट पे चेयरमैन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एट जेपी मॉर्गन लियो पुरी को अपॉइंट किया गया टू सक्सीड हर पोजीशन. पुरी ये फॉर्मर एमडी है यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी के. मुरली माया ये सीईओ साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के. जेपी मॉर्गन चेज ये सिक्स लार्जेस्ट बैंक है वर्ल्ड के. नेक्स्ट क्या है, जीई पावर इंडिया डेजिग्नेट्स महेश पालिशकर एज चेयरमैन. तो जीई पावर इंडिया फॉर्मरली अल्स्टॉम इंडिया के डिजिग्नेट किया है महेश श्री कृष्णा पालिशकर एज इट्स एडिशनल डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन. पालिशकर ये प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ जीई साउथ एशिया, और इन्होंने सक्सीड किया विशाल कीर्ति वांचू. जीई एक लीडिंग एनर्जी प्लेयर है कंट्री में विद स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज इन इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सोल्यूशन फॉर पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स. हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूएसए में है. प्रेसिडेंट और सीईओ रसल स्टॉक्स हैं. विजय शर्मा इनको अपॉइंट किया है एडिशनल एंड होल टाइम डायरेक्टर. नेक्स्ट इज सीनियर आईएएस ऑफिसर विश्वास मेहता, ये नए चीफ सेक्रेटरी हैं केरला के. तो सीनियर आईएएस ऑफिसर विश्वास मेहता को अपॉइंट किया गया है नया चीफ सेक्रेटरी केरला. डॉक्टर मेहता जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, ये अपना ऑफिस अज्यूम करेंगे जून 1 को. इनक्यूमेंट चीफ सेक्रेटरी टॉम जॉन्स, इससे रिटायरमेंट होगी इनकी मे 31. शंकर रेड्डी हैज़ बीन पोस्टेड एज रोड सेफ्टी कमिश्नर एडीजीपी एमआर. अजित कुमार विल बी अपॉइंटेड ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, एंड इन्होंने सर्व किया है MILMA का मैनेजिंग डायरेक्टर भी. नेक्स्ट आर श्रीखा टू बिकम केरलाज फर्स्ट वुमेन DGP. तो केरला पुलिस है, उनको फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल आर श्रीलेखा एंड विल हेड केरला फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज. प्रेजेंटली एडिशनल डायरेक्टर है जनरल पुलिस के हैं, और शी हेड्स द जेल डिपार्टमेंट ऑल्सो. ये पहली वुमेन बनी है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन 1991. तो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल पुलिस कौन है, कंचन चौधरी भट्टाचार्य. सेंटर ने अलाउ किया फॉर DGPC फॉर केरला. साइमन एंड स्कल्स्टर नेम्स जॉनाथन कार्प एज न्यू सीईओ.
जॉनथन कार्प जो कि उन्होंने काम किया ऑथर्स के साथ रेंजिंग फ्रॉम सैम एडवर्ड कैनेडी टू सुसान ऑर्लियन हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू सीईओ ऑफ सिमन एंड स्कल्पचर। कार्प ने ज्वाइन किया कंपनी 2010 और सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट एंड द पब्लिशर ऑफ साइमन एंड स्कल्पचर एडल्ट पब्लिशिंग। साइमन एंड स्कल्पचर सब्सिडरी ऑफ वायकॉम सीबीएस अमेरिकन पब्लिशिंग कंपनी है विच वॉज फाउंडेड इन न्यूयॉर्क सिटी और इन्होंने रिप्लेस किया है कैरोलिन रेडी को जिनकी डेथ हो गई है रिसेंटली। नेक्स्ट क्या है कैंपमेंस थ्योरी डेलप्रे टू बी विप्रोस न्यू सीईओ एंड एमडी। तो विप्रो ने अपॉइंट किया थेरी डेलपोर्ट एज इट सीईओ एंड एमडी। डेल पोर्टे को फाउंडर है प्रेसिडेंट है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लाइफ प्रोजेक्ट फॉर यूथ वॉज वर्किंग एज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ कैपिमेन ग्रुप एंड मेंबर ऑफ इट्स ग्रुप एग्जीक्यूटिव बोर्ड और ये एक फ्रेंच मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है। विप्रो के ओनर कौन है अजीम प्रेम जी और ये रिप्लेस करेंगे प्रेजेंट सीईओ अब्दाली निमू चौली। नेक्स्ट पीएफसी बोर्ड क्लियर्स आरएस डिलन्स अपॉइंटमेंट। स्टेट रन पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर उन्होंने क्या अनाउंस किया अपॉइंटमेंट ऑफ रविंदर सिंह ढिलन करंटली डायरेक्टर है चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रॉम जून 1 फॉलोइंग सुपर एनुएशन ऑफ राजीव शर्मा दिस मंथ। पीएफसी रिसेंटली टाइड अप विद नर्मदा भासिन प्रोजेक्ट कंपनी होली ओन्ड कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की है एंड विल फंड प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹22,000 करोड़ ऑफ फॉर 225 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड मल्टी पर्पज़ प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन इनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट्स पीआर जयशंकर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईआईएफसीएल। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पीआर जयशंकर को मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड और उन्होंने सर्व किया एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक प्रायर टू दिस आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ बैंक बोर्ड्स ब्यूरो। आईआईएफसीएल ये 2006 में सेटअप हुआ टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म डेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। हर्षा बंगारी ने डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है ऑफ एग्जिम बैंक। नेक्स्ट प्रोफेसर सोनझारिया मिंज अपॉइंटेड एज वीसी ऑफ सीडो कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी। अब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो हैं सोनझारिया मिंज इनको प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के इनको वाइस चांसलर अपॉइंट किया गया सीडो कानी मुर्मू यूनिवर्सिटी इन झारखंड और झारखंड दुमका। ये फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है टू हेड अ यूनिवर्सिटी। सीधो कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी ये फॉर्मली सीधो कानू यूनिवर्सिटी है ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी जो कि संथल पैरगनेस रीजन में झारखंड में लोकेटेड है इन ईस्टर्न इंडिया। झारखंड गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट आईआईटी आईएम एलुमिनस एस गोपाल कृष्णन ने अडिशनल सेक्रेटरी अपॉइंट किया है पीएमओ। एस गोपाल कृष्ण अ सीनियर तमिलनाडु कैडरे आईएएस ऑफिसर इनको अडिशनल सेक्रेटरी अपॉइंट किया है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में। गोपाल कृष्ण से अपॉइंटमेंट ये क्लियर की गई है बाय अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट विच वॉज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ACC है इन्होंने भी अपॉइंटमेंट क्लियर की है। दी बिहार कैडरे आईएएस ऑफिसर श्री श्रीधर इज अ जॉइंट सेक्रेटरी एंड हिमाचल प्रदेश कैडरे आईएएस ऑफिसर। मीरा मोहंती ये डायरेक्टर है पीएमओ के और ये करेंटली सर्व कर रहे हैं एज मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट क्या है इंडिगो अपॉइंट्स वेंकटा रमानी सुमंत्रन एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो अब वेंकटा सुमंत्रन को चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं चेन्नई बेस्ड सेलरिस टेक्नोलॉजी। इनको अपॉइंट किया गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ इंडिगो इंडियन एयरलाइन कंपनी जो कि गुड़गांव में हेडक्वार्टर है। ही होल्ड द पोस्ट फॉर 5 ईयर्स। रंजॉय दत्ता ये होल टाइम डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इंडिगो के। इंडिगो ये लार्जेस्ट एयरलाइन है इंडिया बाय पैसेंजर्स कैरिड। नेक्स्ट BBB दैट इज बैंक्स वर्ल्ड ब्यूरो ने रिकमेंड किया है अश्वनी भाटिया फॉर पोस्ट ऑफ SBI MD। तो बैंक्स वर्ल्ड ब्यूरो विच वॉज हेडेड बाई BP शर्मा उन्होंने अश्वनी भाटिया का नेम रिकमेंड किया है MV राव का और PCN गुप्ता का फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ 3 state-owned लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंडियन ओवरसीज बैंक रेस्पेक्टिवली। तो बैंक बोर्ड्स ब्यूरो हेडक्वार्टर मुंबई में है और इन्होंने फंक्शन स्टार्ट किया था अपना 1 April 2016 में। फॉर्मर CAG विनोद राय हैं ये पहले चेयरमैन रह चुके हैं बोर्ड के और BBB का हेड हंटर फॉर द स्टेट ओन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट सो गाइस दिस वाज रिगार्डिंग योर दी अपॉइंटमेंट्स। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द कैटेगरी अवार्ड्स। थैंक यू।